हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, यार जैसे कि ना आप सभी लोग यहाँ पे जानते हैं कि आपको कंप्यूटर्स के ऊपर और लैपटॉप्स के ऊपर इंटेल के और एएमडी के ही प्रोसेसर देखने के लिए मिल रहे हैं, आज से ही नहीं यहाँ पे बहुत साल पहले से। तो यार यहाँ पे एक साल पहले ही यहाँ पे अपना स्नैपड्रैगन प्रोसेसर लेके आया था जिसका नाम था स्नैपड्रैगन 850। आप इसको 8CXB कह सकते हैं, उसका ओरिजिनल नेम है। तो यार यहाँ पे आपको एक ऑक्टाकोर सीपीयू देखने को मिलता था जो कि यार 2.96 GHz में काम करता था। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको GPU देखने में मिलता था Snapdragon का GPU 630 जो Android के ऊपर बेस था। और यार इतना ही नहीं यार दोस्तों, यहाँ पे जो ये था ना 5G को सपोर्ट करने की कैपेबिलिटी रखता था, लेकिन यार यहाँ पे ये जो मिशन था ना थोड़ा सा फेल हो गया। और जो ये CPU था ना जो Snapdragon की तरफ से आता था दोस्तों, यहाँ पे आपको 16 MP का डुअल कैमरा का सपोर्ट देखने में मिलता था, 16+16, और सिंगल कैमरा यहाँ पे आप 32 MP तक यहाँ पे आप इसको सपोर्ट करवा सकते थे। दोस्तों इतना ही नहीं, यहाँ पे जो ये था 4K तक यहाँ पे जो उसकी वीडियो क्वालिटी थी, मतलब ये 4K तक और 4K 60 FPS तक यहाँ पे वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता था और इसको अपने डिस्प्ले के ऊपर रन भी करवा सकता था। आपको इसमें मॉडर्न LTE X20 देखने के लिए मिलता था। तो दोस्तों यार ओवरऑल ना पूरा मतलब आपका स्नैपड्रैगन 850 यही था। लेकिन यार दोस्तों यहाँ पे आज के दिन पे कुछ ऐसी रूमर्स निकल के आ रही है कि स्नैपड्रैगन 7CXP लेके आने वाला है और ये जो होगा ना इंटेल के i3 को पूरी की पूरी टक्कर देगा। और जो 850 था मतलब 8CX था, वो यहाँ पे आपका सेकंड जनरेशन का सीपीयू था जो कि 10 nm के ऊपर बना था और यार वो यहाँ पे इंटेल के i5 को पूरी कड़ी टक्कर देता था। तो यार यहाँ पे हुआवे जैसी कंपनी थी और हुआवे की मेटबुक थी, क्रोमबुक थी, इसको इंप्लीमेंट करने की सोचा ही था और कुछ पीस यहाँ पे लेके भी आया था। लेकिन यार हुआवे का जैसे कि आपको पता है हुआवे पूरी बैन हो गई है पूरे US के अंदर और यहाँ पे उसको ना ही माइक्रोसॉफ्ट का सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है, ना ही यहाँ पे गूगल का सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन दोस्तों जैसे कि ना आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन है ना प्रोसेसर के मामले में यार वो एक इकलौती ऐसी कंपनी है जो पूरी यहाँ पे मतलब 70% और 80% मार्केट जो है ना यहाँ पे कवर कर चुकी है मोबाइल फोन के ऊपर, और कुछ जो परसेंट बचता है यहाँ पे हुआवे के पास चले जाता है, सैमसंग के पास चले जाता है और यहाँ पे मीडिया के पास चले जाता है। लेकिन जो यहाँ पे आपका स्नैपड्रैगन है ना वो यहाँ पे एक नया प्रोसेसर लाने की कोशिश कर रही है जिसका नाम है स्नैपड्रैगन 7CX। दोस्तों ये स्नैपड्रैगन का एक ऐसा प्रोसेसर है जो इंटेल के i3 प्रोसेसर को यहाँ पे कंपीट करेगा और ये यहाँ पे 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बना हुआ है। मतलब यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 730 की पावर या 750 की पावर या आपको 710 की पावर देखने को मिल सकती है, मतलब ये 7 सीरीज का ही प्रोसेसर है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सेम स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है, 16 MP का डुअल कैमरा ये सपोर्ट कर सकता है, 32 MP का सिंगल कैमरा ये सपोर्ट कर सकता है। और इतना ही नहीं यार दोस्तों, यहाँ पे आपको LTE X20 ही मॉडल देखने को मिलता है जो आपको स्नैपड्रैगन 850 के ऊपर देखने को मिलता था। बस यहाँ पे बात इतनी है, ये यहाँ पे थोड़ा सा कम पावर देता है स्नैपड्रैगन 850 के मुकाबले। तो दोस्तों यार यहाँ पे देखने वाली ये बात है ना, इसको कौन सी कंपनी जल्दी से इंप्लीमेंट करती है, क्योंकि हुआवे के बस की तो बात है नहीं, क्योंकि हुआवे को यार पहले ही क्लियरली नोटिस दे दिया गया है कि विंडोज आपके साथ काम नहीं कर सकता, ना ही गूगल कर सकता है, ना ही कोई ऐसी US बेस्ड कंपनी है जो यहाँ पे बिजनेस कर सकती है। और यहाँ पे कुछ ऐसी कंपनी बची है जो आप कह सकते हैं क्रोम बुक के ऊपर काम करती है, जैसे गूगल ही क्रोम बुक है। क्रोम बुक आपको स्नैपड्रैगन 850 के ऊपर भी देखने के लिए मिलता था एक टाइम पे और यहाँ पे 7 सीरीज के ऊपर भी देखने के लिए मिल सकता है। और यार दोस्तों बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो ऐसा करने की कोशिश करेंगी। तो बस यार दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आता है जरूर से इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, इसको जरूर से शेयर कर दीजिएगा और नीचे देखिए रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसको जरूर से हिट कर दीजिएगा जिससे कि मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो बस यार आज के लिए इतना ही, वीडियो में एंड करते हैं।